गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबको हमारे एक नए व्लॉग पे। और आज हमने कुछ अलग सेटअप में आज हम लोग हैं। तो आज हम हैं दूसरे रूम पे। आज बाप बेटी हम लोग यहाँ पे अपना सोफा कम बेड में सो रहे हैं। दिस इज मोर लाइक कैंपिंग जैसा है, कैंपिंग जैसा। नीचे में पूरा एकदम कैंपिंग टेंट वाला वाइब आ रहा है। तो उठ गए दोनों और इसको देखिए पूरा खुश कैमरा में खुद को देख के। बाप रे बाप, कितना खुश देगी, शर्मा रही है। अच्छा पापा आपा आपा डॉक्टर। ओह थैंक यू। शुरू करते हैं दिन। तो आज हम सोए हैं यहाँ पे, जो कि हमारा पूजा रूम जहाँ पे है और मेरा काम का रूम जहाँ पे। तो आज प्रेयर्स भी यहीं पे हो जाएगा क्योंकि हम पूजा रूम के पास ही है। दुक्का दुग्गति नाशिनी सिद्धिदाता गणेश गणेश नमो नमः। आज हम लोग श्रुतु को दे रहे हैं उसका कल बनाया हुआ सेरेलैक्स। तो 3 स्कूप देंगे, 1, 2 और देखिए गाइस कुछ ऐसा बनाए। तो 3 स्कूप थोड़ा ज़्यादा पतला हो रहा था, तो 4 स्कूप देने के बाद में इसका कंसिस्टेंसी ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें गुड़ देंगे। आज सिर्फ साबुन से नहला रहे हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन जैसा हुआ है बट एरिया में। इन्फेक्शन इन द सेंस वो फंगल इन्फेक्शन जैसा उसको हुआ था बहुत पहले बहुत ज़्यादा तरीके से। तो इस बार थोड़ा हुआ है। तो हम लोग को क्रीम दिया गया था डॉक्टर ने, तो हम लोग वो क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ उसको साबुन से नहला देंगे। और डॉक्टर ने बोला था कि जब भी इस तरह का इन्फेक्शन हो तो साबुन से नहलाने के लिए और सरसों का तेल मालिश ये सब नहीं करने के लिए, और थोड़ा सा आयरन जो उसको देते हैं वो आयरन कम देने के लिए। आयरन का एक ड्रिप्स है, वो ड्रॉप्स है, वो देते हैं, ड्रिप नहीं ड्रॉप्स है, तो वो नहीं देते हैं। तो ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा इचिंगनेस ऐसे होता है,
तो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन भी नहीं, रैश जैसा बहुत ज़्यादा मतलब रैश हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, तो इसीलिए आज साबुन से नहलाएंगे, साबुन से नहलाएंगे और वो नहीं देंगे, मालिश नहीं करेंगे। ये गर्म पानी अभी यहाँ पे भर रहे हैं, इसके बाद भी नहला देंगे साबुन से। हम लोग दोनों का नहाना धोना हो गया, एकदम पूरा चकाचक हो गए दोनों। अभी थोड़ा सा पानी भी पिया शुतु ने, और पानी पीते पीते थोड़ा खास रही है, तो अभी इसको सुलाएंगे और सुला के फिर हम लोग अभी लंच करेंगे। तो शुतु अभी सो गई है, हम लोग पूरा सो गए, खाना नहीं खाए, और उसके बाद में अभी मम्मा भी आ गई, इतना सोए तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। शुतु भी मेरे गोदी में उठ के पूरा सो गई, वो उठ गई थी बच्चों लोग की आवाज़ से, फिर मेरे गोदी में आई, फिर मेरे गोदी में आके वो भी सो गई, मुझे पकड़ के इस तरह सोई, मुझे भी नींद आई। तो अभी खाना खाते हैं गाइस, रात हो चुकी है और शुतु दूध पी के खुद से सो गई है, ऊपर में लाइट है तो नीचे की तरफ देखिए आग ढक के सोती है, दूध पीते पीते यहीं पे सो गई। उसको भी यहाँ पे सेंट मिल के पूरा एकदम यहीं पे बैठी हुई, किचन से हट नहीं रही है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं खुशका और अनु बनाएगी, बना रही है कबाब जो कि मैरिनेट हो रहा है, हो रहा है तेल गरम, और यह है मैरिनेटेड कबाब, तो अभी फ्राई किया जाएगा। तो गाइस ये है हमारा खुशका, देखिए कैसा बना है, एकदम स्मेल लजीज स्मेल है, और ये है कबाब, बोथ आर लुकिंग अमेजिंग एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम ये पहले भी बना चुके हैं और मम्मी ने कर दिया ब्लॉक, नहीं दिखा रहे हैं, हाँ अभी दिख रहा है, तो एकदम लजीज ये है पूरा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बट रेस्टोरेंट से भी टेस्टी। हर कोई कोई यहाँ पे लेफ्ट ओवर दूध पी के सो के उठ के क्या बोलना चाहते हो, बोलो की बोल रहे अच्छा क्यों छे कास्ट क्यों ना वही कॉफी बाय बाय करे दो, यहीं पे खत्म करते हैं आज का व्लॉग, बोले दो बाय बाय करे दो करे दो। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बाय 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 टाटा टाटा, मिलते हैं एक नए सुबह एक नए व्लॉग में। अब शुतु कर रही है अपना नंबर 2, बाय बाय गाइस।